कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी का विवाह विधि पूर्वक भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे कन्यादान के बराबर पुण्य फल मिलता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का तुलसी से विवाह हुआ था। तुलसी को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए ये दिन विवाह के लिए उत्तम दिन माना गया है। इस दिन देवी तुलसी और शालिग्राम की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नामक राक्षस से कर दिया। भगवान विष्णु की सेवा और पतिव्रता होने के कारण वृंदा के पति जलंधर बेहद शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जलंधर के आतंक से डरने लगे। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता था तो वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती थी। वृंदा की विष्णु भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी जिसके बाद सभी देवता जलंधर को प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे थे। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को खत्म करने पर विचार करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के प्रति व्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की, तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती होकर भस्म हो गई। वृंदा के शरीर की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरि। आज हरिप्रबोधिनी एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आज के दिन विशेष रूप से तुलसी का विवाह होता है, तुलसी माता का। और बहुत जगह तो इसका कई ढंग से प्रचार होता है। पंजाब में भी हमने देखा कि वहाँ भी तुलसी का विवाह बहुत लोग करते हैं। पिछली बरस जो है ये सौभाग्य जो है हम लोगों को, हमारी धर्मपत्नी को, रक्षा को, इनको मिला पिछली बार। और बड़े हर्षोल्लास से बहुत ही धूमधाम से जो है ये तुलसी विवाह यहाँ जो है मनाया गया। बेटियों की शादी तो सब करते हैं, बेटी होती है, पर ये तुलसी जी को भी जो है बेटी की तरह मान करके जो है इनका वैसे ही जो है यहाँ शादी हुई थी। इसकी पूरी वीडियो भी बनी थी उसकी। और जैसे बेटी का कन्यादान होता है, उसका दहेज होता है, उसमें जो पूजा अर्चना लावे जो भी होती है, पूरा विधि विधान से जो है ये शादी जो है की गई यहाँ, और वैसे ही मानी जाती है। तो आज बड़े हर्ष का दिन है। तुलसी आज 5 दिन जो है ये जो है पंच विषम जो है चलते हैं। इसमें 5 दिन जो लोग घर में दीपक अखंड दीपक जलाते हैं और वैसे 5 दिन तुलसी की जो है पूजा विशेष रूप से की जाती है। तुलसी का नाम वृंदा भी है, भगवान विष्णु को जो सर्वप्रिय मानी गई वृंदा जो है, तो भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी की पूजा जो की जाती है। तो आज का दिन जो है इस पूजा के लिए विशेष दिन माना जाता है। तुलसी विवाह और पंच विषम जो है, ये पंचक जो है शुरू होते हैं और पूर्णमासी कार्तिक पुण्या का जो है इसमें जो है आरती का भी विशेष महत्व है। तो जो भी मतलब ये इस दिन जो है पूजा अर्चना जो है तुलसी माता की करते हैं,
यहाँ तो वैसे परंपरा ऐसी रही है, मंडी में भी और कांगड़ा में भी बहुत है कि जो है 5 दिन दीपक मतलब खंड जलाएंगे और तुलसी माता की पूजा करेंगे, कई प्रकार से उसका दान पुण्य भी करते रहते हैं। तो ये सब ढंग से जो है इस बार भी जो है हम लोगों को करने का था विचार, पर कोरोना के कारण से जो है अब ये विशेष बड़े आयोजन जो है कर नहीं सकते। नहीं तो इस बार भी जो है किसी के द्वारा जो है ये आयोजन जो है तुलसी विवाह का बड़े सुंदर ढंग से होना था, कारण से जो है इस बीमारी के कारण से जो है नहीं कर सकते। तो वैसे भी जो मतलब लोग जो है चाहे तो ये भी देख सकते हैं तुलसी विवाह की जो मतलब रस्म जैसे जैसे भी होती है वो ये दिखाएंगे। और वैसे भी सब के अंदर संस्कार एक प्रेरणा बननी चाहिए कि जैसे बेटी का विवाह वैसे तुलसी का विवाह, तो 5 दिन जो है ये पूजा अर्चना जो की जानी चाहिए, तुलसी माता का विशेष रूप से जो है इनका जो है आवाहन आदर सत्कार जो है पूजा के ढंग से जो है किया जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय।